क्या आपको भी लगता है कि पहाड़ों में सिर्फ मैगी फेमस है? तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ का मटन चावल पूरे उत्तराखंड में फेमस है। तो आइए चलते हैं अपने पहाड़ों की ओर। गुड मॉर्निंग। आज हमें नैनीताल से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक स्टॉल पे जो है नैना गांव। पिछली बार हमने नैना गांव पे एक मटन चावल का ब्लॉग डाला हुआ था जो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था, तो उसको काफ़ी दोस्तों ने देखा भी है, तो उन्होंने कहा हमें भी नैना गांव का मटन चावल खाना है। तो आज हमारे साथ वो सभी लोग आए हुए हैं जो मटन खाने के इच्छुक हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल आपको दिखेगा, ये बोल पहले नहीं हुआ करता था, इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा इधर उधर भटक जाते थे, लेकिन अब ये बोल लगा हुआ है। देखेंगे आप जितने भी यूट्यूब के ब्लॉग बने हुए हैं उन सबको स्क्रीन शॉट लिया गया है, और उस स्क्रीन शॉट पर एक हमारा ब्लॉग भी ये बना हुआ है। तो ये वाला ब्लॉग अनिल टमटा के नाम से है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये चैनल हमारा है। तो दोस्तों ने ये ब्लॉग देखा तो उन्होंने आना चाहा नैना गाँव। हमने नैनीताल से 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, हल्द्वानी से 28 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये स्टॉल पड़ता है आपको। और आज हमारे साथ हैं मंजुल, ये पिछली बार शामिल नहीं हो पाए थे, तो ये भी मीट चावल, वैसे घर पर मीट नहीं खाते लेकिन यहाँ खाने की इच्छा ट्राई करना चाह रहे थे। और साथ में अंकित जी है, तो रहते ही हैं हर ब्लॉग में। और साथ में है रजत, दुबई से आए हैं, मास्टर शेफ हैं दुबई में, लेकिन पहाड़ से जुड़े व्यक्ति हैं, तो पहाड़ी शिकार भात खाना इनको पसंद है काफ़ी ज़्यादा, पहले तो पहाड़ी रहते थे। तो इस वजह से जब हमारा ब्लॉग इन्होंने देखो, हमारे ब्लॉग की पहचान दुबई तक हो चुकी है, दुबई में हमारा ब्लॉग देखा इन्होंने, तो इन्होंने कहा मुझे भी जाना है नैना गांव, और हम इन्हें भी ले आए हैं साथ में, और इनसे देखते हैं, सभी लोगों से जानते हैं कि खाने कैसा क्वालिटी है, क्या है, क्या खासियत है इनके मटन की, और फिर उसके बाद आपको भी रिव्यू देते हैं। ओके गाइस, तो ये है हल्द्वानी नैनीताल रोड में सड़क से लगी हुई चंदन मीट चावल की शॉप, और अब आपको इसे ढूंढने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी क्योंकि बोर्ड लग चुका है। तो भैया बताइए जरा यहाँ के मटन की खासियत वगैरह बताइए जरा। मटन की खासियत क्या, नेचुरल चीज़ है, मसाले जो है हमारे सिलबट्टे के रहते हैं, खड़े मसाले यूज़ होते हैं, आग में बन रहा है, भट्टू का खाना है, नेचुरल अच्छा, पानी है। अच्छा, ये भट्टू है जी सर। पहली चीज़ ये है कि खाना भट्टू में बन रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये चूल्हे में बन रहा है, तो दोनों का, दोनों से मिक्स होकर जो स्वाद आता है वो अलग ही बात है भैया। और मसाले कौन से यूज़ कर रहे हो आप? मसाले सब सब हमारे सिलबट्टे के रहते हैं, सिलबट्टे में खड़े मसाले घोट के। ठीक ठीक, मतलब बाजार वाले मसाले वो रेडीमेड नहीं आते। आप फिर सुबह कितने बजे आ जाते हैं? सुबह तो आते हैं 8 बजे लगभग, 8 बजे तक आ जाते हैं, और उसके बाद ये प्रोसेस मीट वगैरह 11:30 मीट वगैरह कहाँ से आता है आपका? मीट हमारा पहाड़ी बकरा आता है, लोकल भवाली हल्द्वानी भवाली। फिक्स रहता है कि एक ही जगह से आता है? नहीं सर, 2-3 जगह फिक्स है, एक जगह फिक्स नहीं है, 2-3 जगह फिक्स है। अभी भवाली से आता है या गर्म पानी से आता है, खैरना से आता है, तो 8 बजे से आप लग जाते हैं जी। तो एक बार दिखाएंगे, मीट पक गया आपका पूरा? हो गया ये? बस 10-15 मिनट और लगते हैं, हो गया, चल रहा है वैसे। गाइस देखिए, ये है मीट, मटन की रंगत डाली है, अभी थोड़ा और पकना बाकी लग रहा है ना। तरी रहती है वो पत्ती, पानी जैसे तरी आपकी पतली रहती है, नेचुरल शो हुआ सर, मतलब जैसे ग्रेवी गाढ़ी नहीं रहती है नहीं सर, चावल के लिए एकदम लाइट होगा, हल्का लाइट होगा। और चावल कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप? चावल की बासमती होता है सर, 11-21। अच्छा, बात देखिए चावल जो है 11-21 बासमती का, ये इनका सेटअप है भैया का, उसको 5-7 में लगता है हल्का सा। बेंगलोर वाले बंदे हैं, बेंगलोर से इन्होंने कहा नैना गांव आना है भैया, आपका ब्लॉग देखा था पुराना वाला, तो हमने नैना गांव का मीट खाना है तो ले आते हैं, और उसके बाद देखेंगे रिव्यू हमारे यही देंगे और एक रिव्यू दुबई वाले देंगे। भाई साहब कैसा लगता है आपको? और ये वैसे मटन नहीं खाते हैं मतलब, लेकिन आज ट्राई करना चाह रहे हैं, देखते हैं कि कैसा बनता है। तो गाइस भीड़ देख सकते हैं, लोग आ चुके हैं अभी, और काफी गाड़ियां रुकी हुई हैं यहाँ पे, और लोग आ ही रहे हैं अभी। सेटअप तो बहुत छोटा है, पिछली बार जैसा सेटअप था वैसा ही रहा,
लेकिन ओल्ड बट क्लासिक। हाँ, पहाड़ का जैसा फील आ रहा है ऊपर, ऐसा कोई बड़ा सा सेटअप नहीं है, छोटा सा सेटअप है लेकिन पॉपुलर हो गया काफ़ी। ये हमारा है, किसका है? तो हमारा 4 प्लेट राइस लग रहा है अभी। मनु ट्राई करना चाह रहा है, अगर मनु कह रहा है देख के खाऊंगा। मटन खाता नहीं है ना, अगर अच्छा लगा तो फिर खाएगा। तो एक प्लेट में भैया 4 पीस देते हैं, कितने देते हैं, किस हिसाब से डाल? 4 पीस। रेट आपका बड़ा है या अभी उतना ही है? उतना ही है, 230। अच्छा, पिछली बार जब मैं आया था 200 था। तो पीसेस पक गए हैं अभी? ये मतलब इससे ज़्यादा नहीं पकेंगे? तो ये लग रही है हमारी 4 प्लेट। मन में थोड़ा रुक के खाने वाला है, तब तक मटन और गल जाएगा थोड़ा। जो प्रॉपर्टी है ये तो कैसी है प्रॉपर्टी? है मतलब आप लोगों की है या वैसे ही है? हमारी नहीं, इसलिए सेटअप नहीं लग रहा होगा इसमें ना, वरना जरूरत भी नहीं है। वैसे ही पॉपुलर हैं आप लोग, हैं वैसे भी सही है। हाँ, पहाड़ का नेचुरल लुक है, ठीक, वो तो लग ही रहा है। और आप जैसे दोबारा हम तरी लेना चाहते हैं, तरी मिल जाएगी? सब मिल जाएगा। ये हाफ प्लेट है, फुल प्लेट है? हाफ प्लेट है। ये कितने बजे तक रहता है लगभग सेटअप आपका? 4 बजे। उससे पहले भी निपट जाता होगा कभी कभी? तो शाम को कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, जब तो माल रहे। कितने किलो बना लेते हैं एक बार में? 3 बकरे। 3 बकरे मतलब 20-30 किलो? 40-35 से 40-45। तो ये गाइस हाथ धोने का सेटअप है। हम हाथ से मीट चावल का मजा लेंगे, क्योंकि जो हाथ से मजा है वो चम्मच से कहाँ है। हम एक बार फिर से आए हैं मटन चावल खाने यहाँ का, जिसे शिकार भात भी कहा जाता है पहाड़ में। और स्पेशली भैया ने भी बताया है कि यहाँ का मटन चावल इसलिए स्पेशल है क्योंकि भट्टू में बनाया जाता है, और भट्टू के साथ साथ पिसे हुए मसाले जो आते हैं मार्केट से नहीं आते हैं, बल्कि घर में ही पीसा जाता है सिलबट्टे में, जिसे हम सिलबट्टा कहते हैं। तो पिछली बार देखा था हमने, मटन अच्छा था। इस बार साथ वाले बहुत सारे लोग आए हुए हैं, देखना चाह रहे थे कि मटन कैसा होता है। तो हम आए हैं, पीछे आप सेटअप देख सकते हैं, और काफ़ी भीड़ है यहाँ अभी। करीब बजा है 11:30 और भीड़ काफ़ी है। आपको 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद शायद मटन मिलेगा नहीं। देखते हैं भाई लोगों को कैसा लगता है। रजत कैसा लगा? टाइट हो रहे हैं, ट्राई तो कर लिया आपने? हाँ, खाते ही रहूँगा कंटिन्यू, ऐसा हो रहा है। अच्छा, खाते रहूँगा ऐसा लग रहा है। मनु गुना बहुत मटन तुम खाते नहीं हो, लेकिन खाते हैं, हम खाते हैं। अरे आपको यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सचिन के बारे में सचिन से पूछते हैं। वेरी गुड अंकित, मैं तो रुक नहीं पा रहा। रुक नहीं पा रहे हो? कितना अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा मटन का पीस ऐसे लेंगे, और ये मिक्स करके गर्मा गर्म। मज़ा आ गया, स्वाद अच्छा है भाई। थोड़ा मसाले फील हो रहे हैं, खड़े मसाले, और भट्टू में बनाए हैं, थोड़ा अलग फील आ रहा है। लेकिन जो मटन की रंगत है और मटन की सॉफ्टनेस है वो बरकरार है, और मसालों का गजब स्वाद है। तो आप आए कभी यहाँ से करवा जरूर। दोस्तों, हो सकता है कि बाहर से आने वाले कुछ टूरिस्ट को ये शिकायत हो कि मटन का सूप बहुत पतला है, पर अगर आप पहाड़ी हैं और नॉनवेज लवर हैं तो ये प्लेस बिल्कुल आपके लिए है। एक बार यहाँ अवश्य विजिट करें।